कि राजनीति में युवा शक्ति होनी चाहिए या एक्सपीरियंस्ड लोग होने चाहिए, अनुभव, जिनके पास अनुभव है वही राजनीति कर पाते हैं। राजनीति में अनुभव का बहुत ज़्यादा योगदान होता है और अनुभव जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन जो युवा है उसके बारे में कहा जाता है उसमें जोश है, ऊर्जा है, एनर्जी है, वो देश को तेज़ी से आगे ले जाता है। तो आज हम बात इसी की करेंगे, लेकिन तीन क्योंकि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मंत्री इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और तीनों इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि तीनों के पास जो विभाग हैं वो उन विभागों को लेकर आज सबकी दृष्टि, सबकी नज़र है और युवा और खेल पर तो सबसे ज़्यादा, और उसी के अंतर्गत, उसी के तहत ये कार्यक्रम भी आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन तुलसी जी, सबसे पहले एक ऐसा कार्यक्रम हमने सुना जो आप शुरू करने जा रहे हैं वो है स्वास्थ्य का अधिकार। ये स्वास्थ्य का अधिकार क्या है और किस तरह से आप ये अधिकार प्रदेश की जनता को देंगे? होना तो ये देश भर में चाहिए, दुनिया भर में चाहिए। कैसे आपने सोचा और कैसे आप इसे पूरा करना चाह रहे हैं और ये है क्या? सबसे पहले तो मैं युवा शक्ति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अनुभव को भी नमन करता हूँ। आप जानते हैं स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश के अनुभव से भी, युवा शक्ति से भी को हमने जोड़ने का प्रयास किया है कि राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार सबको हो, यह हमारे मध्य प्रदेश की सरकार में जो वचन पत्र हमने तैयार किया था ये उसके अंदर सम्मिलित था। वर्तमान के अंदर हम स्वास्थ्य 1,08,00,000 लोगों को मुहैया कराने का प्रयास पिछली योजनाओं से कर रहे थे। स्वास्थ्य का अधिकार सबका अधिकार है। जब ये योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी, लागू हो जाएगी, एक गंभीरता से इस योजना को लेकर हम चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आपने कहा युवाओं का भी समावेश करेंगे और जिनके पास अनुभव है उसमें भी समावेश, दोनों का संगम, समन्वय और सामंजस्य के साथ इस पर हम चिंतन कर रहे हैं। जिस दिन मध्य प्रदेश में ये योजना प्रारंभ होगी ये बढ़कर 1,80,00,000 लोगों को जोड़ने का प्रयास, जोड़ने का लक्ष्य, जोड़ने का उद्देश्य, हमारा संकल्प है कि स्वास्थ्य सबको मिले, समय पे मिले, तरीके से मिले। क्योंकि आप जानते हैं 15 वर्षों से दूसरी सरकार थी, जिस दशा में, जिस व्यवस्था में स्वास्थ्य विभाग मुझे मिला, आप जानते हैं कि मेरा मध्य प्रदेश स्वस्थ रहे और शिक्षित रहे। ये तभी संभव है कि सबसे पहले जो व्यक्ति इलाज के लिए आता हो उसको हम समय पर डॉक्टर की उपलब्धता कराएं।